आज का वीडियो नंबर 8 का है इसकी 12 सितंबर 2024। आज हम दिखाने वाले हैं कि कार ट्रेडिंग में स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तीन फ्लोर है, ये पहला फ्लोर है जहाँ पर आपका डेमो इंजन करना सीखते हैं। डेमो इंजन से क्या होता है कि इनको बेसिक नॉलेज आ जाता है, टूल्स क्या होता है, चाबी पाना कैसे होता है, रैचेट क्या होता है, टॉपी क्या होता है, इंजन के अंदर क्या पार्ट्स है। आप कहाँ से आए थे? आप राजस्थान से। आप कहाँ से? उड़ीसा से। आप कहाँ से? मध्य प्रदेश से। एमपी से आप? मध्य प्रदेश से। एमपी से आप? यूपी से। यूपी से आप? एमपी। एमपी से आप कहाँ से आए? आप दिल्ली से आए हैं। आप? एमपी से आए हैं। आप? एमपी से। आप? हैदराबाद। हैदराबाद से आप कहाँ से आए थे? हैदराबाद से। आप भी हैदराबाद? आप कहाँ से आए थे? आप महाराष्ट्र से हैं। आप? यूपी से। आप? यूपी से। आप? कर्नाटका। ओके, अब हम लोग आपको दिखाते हैं ये कैसे ट्रेनिंग यहाँ पर करते हैं, फिर सेकंड फ्लोर पर आ जाएंगे, थर्ड फ्लोर पर आ जाएंगे। आइए, ये है यस सर, इनको असेंबलिंग करना सिखा रहे हैं। पूरा इंजन हुंडई का पेट्रोल इंजन है। ये इसका कैम सेंसर है, नीचे इसका क्रैंक सेंसर लगेगा यहाँ पर, तो अभी इसकी असेंबलिंग कर रहे हैं ये लोग। तो पेट्रोल इंजन भी करते हैं और डीजल इंजन भी करते हैं। पहले आते हैं तो पहले ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। ग्राउंड फ्लोर पे क्या करेंगे, पहले फ्लोर पे वहाँ पर जहाँ पर डेमो इंजन है वो होना इसलिए ज़रूरी है कि इनको जब ये फ्रेशर आते हैं जीरो लेवल से, इनको नहीं पता नट क्या है, बोल्ट क्या है, पिस्टन तीन लिंक क्या है, कनेक्टिंग रॉड क्या है, क्रैंकशाफ्ट क्या है, ओटी सेंसर क्या है, एमपीएफआई क्या है, कैमशाफ्ट क्या है। उसके लिए इनको हम लोग पहले डेमो इंजन पे रखते हैं। डेमो इंजन के बाद फिर ये यहाँ से वर्किंग गाड़ी पे इंजन पे आते हैं, वर्किंग गाड़ी में से इंजन डिसमेंटलिंग करते हैं और असेंबल करते हैं। तीन बैच यहाँ पे लग रहे हैं, एक बैच हमारा हुंडई का पेट्रोल इंजन है, दूसरा हुंडई का डीजल इंजन है और तीसरा ये इसका इंजन। ये लोग हैं, ये डीजल इंजन का असेंबलिंग कर रहे हैं यहाँ से। ये भी अपने चार लोगों का बैच है। आपका पेट्रोल इंजन हो गया? आपका पेट्रोल हो गया, तो ये डीजल इंजन है। पेट्रोल इंजन खोल के स्टार्ट कर दी गाड़ी आपने? हाँ, पेट्रोल का डीजल। तो हम लोग का शेड्यूल क्या रहता है, पहले ग्राउंड फ्लोर पे रहिए, डेमो इंजन कीजिए, फिर सेकंड फ्लोर पे आना है, वर्किंग कार पे आना मैकेनिकल के लिए, डीजल इंजन, ट्रांसमिशन, ब्रेक, सस्पेंशन, शॉकर इस फ्लोर पे करना, सेकंड फ्लोर पे, फिर तीसरा फ्लोर पे आपको आपको लेके चलूंगा। तो ये बैच अभी डीजल इंजन की असेंबलिंग कर रहा है। ये इसका क्रैंक सेंसर है, ये इसका पूरा हमारे जो इंजेक्टर है इंजेक्टर में जाएगा, ये हाई प्रेशर डीजल पंप है, तो उसका पूरा असेंबलिंग कर रहे हैं, गाड़ी में लगाएंगे, पूरी वायरिंग करेंगे, फिट करेंगे और इसको स्टार्ट करेंगे। एज इट इज ये करेंगे, पेट्रोल इंजन कर रहे हैं, गाड़ी में लगाएंगे, पूरी वायरिंग करेंगे, गाड़ी में लगा के गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, वायरिंग भी लगाएंगे, फिर ये तीसरे फ्लोर पर जाएंगे जहाँ पर स्कैनिंग वो सब होता है। ये जो है तीसरा बैच, ये आएगा अभी सस्पेंशन रिपेयर करना सीखता है। और ये जो बैच है डेमो इंजन करके आया है, लगभग एक महीना इनको हो गया, सेकेंड मंथ से ये आए हैं हमारा वर्किंग लाइव गाड़ियों पे, शॉकर करेंगे, सस्पेंशन करेंगे, डिस्क ब्रेक रिपेयरिंग, ड्रम ब्रेक रिपेयरिंग, स्टीयरिंग डिसमेंटलिंग असेंबलिंग करना, वो सब करने के बाद फिर इनको इंजन पार्ट पे आएंगे, इंजन डिसमेंटलिंग करेंगे वर्किंग गाड़ी में, फिट करेंगे, स्टार्ट करेंगे डीजल भी पेट्रोल भी। तो तीन बैच यहाँ पे लग रहे हैं, एक दो तीन, इस टाइप से गाड़ी ये लोग खोलते हैं, इस टाइप से। ये पूरा सेंसर बेस्ड गाड़ियाँ हैं जिसमें फ्यूज है, रिले है, इंजेक्टर है, वायरिंग है, ओटू सेंसर है, मैप सेंसर है, टोटल पोजीशनिंग सेंसर है, कैम सेंसर, क्रैंक है, दैट मीन्स कि ये वायरिंग प्रॉपर होगी तभी ये इंजन स्टार्ट हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये फ्लोर हमारा रहता है मैकेनिकल वालों के लिए। इसके अलावा तीसरा फ्लोर है जहाँ पर वायरिंग सेंसर स्कैनिंग पे जाना है। इससे पहले कहाँ पर रहते थे ये वो भी आपको दिखा देता हूँ। वहाँ पर जहाँ पर पूरा मैकेनिकल कैसे ट्रेनिंग चल रहा है वो है हमारा सेकेंड फ्लोर। एक तीसरा फ्लोर है वहाँ पर भी आपको लेके चलूंगा। तो मैकेनिकल में जाने से पहले आपको आपकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? डेमो इंजन पे। डेमो मतलब मर्सिडीज, टाटा, महिंद्रा, होंडा, शेवरोले, ऑडी, मर्सिडीज, स्कोडा, बीएमडब्ल्यू, सारे इंजन है, 10 से 12 इंजन, उस पर पहले आपको यहाँ पर ट्रेनिंग करनी है। फिर आप सेकंड फ्लोर पर जाएंगे वर्किंग कार पे, फिर आप तीसरे फ्लोर पर जाएंगे जहाँ पर वायरिंग, स्कैनिंग, सेंसर ये सब होता है, वो भी आपको दिखाऊंगा। आइए, इस टाइप से इंजन ये लोग खोलते हैं, फिट करते हैं, असेंबलिंग करते हैं और इनको वर्किंग कंडीशन में लाना सीखते हैं।
ये एक बैच लग रहा है इधर, ये हमारा फर्स्ट बैच है जिसमें जितेंद्र सर हैं, ये खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर है, ये लोग इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये इन्होंने शेवरोले का 3 सिलेंडर इंजन खोला हुआ है, इसकी असेंबलिंग कर रहे हैं। तीसरा बैच जो हम लोगों ने कल ही स्टार्ट किया, ये इंजन करवाना इसलिए जरूरी है कि इनको बेसिक पता लग जाए, रिंग क्या होता है, पिस्टन क्या होता है, क्रैंक क्या होता है, कैम क्या होता है, कनेक्टिंग रॉड क्या होता है, क्रैंकशाफ्ट क्या होता है। जब ये यहाँ से समझ जाते हैं बेसिक चीजें, फिर ये वर्किंग फ्लोर पर जाते हैं जहाँ से मैं आपको लाया हूँ। सेकेंड फ्लोर पर जाने के बाद फिर इनको तीसरे फ्लोर पर जाना, जहाँ पर वायरिंग, सेंसर, स्कैनिंग, कोडिंग वो सब होती है। अब वो फ्लोर भी आपको दिखा देता हूँ, तीसरा फ्लोर पर आपको कहाँ जाना है। आइए, ये सर हमारा तीसरा फ्लोर है कार वालों का। पहला फ्लोर डेमो इंजन के लिए, दूसरा फ्लोर मैकेनिकल के लिए, और ये सारी गाड़ियाँ आपका इलेक्ट्रिक, वायरिंग, सेंसर्स, स्कैनिंग, कोडिंग उसके लिए है। नेगेटिव लगाने के बाद हमने यहाँ पे है ये वाले भी। अब इस मेले में पहले तो हमें चेक करना है कि पॉजिटिव आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पे एक एक पिन पर लगाते हैं, देखिए यहाँ पे नहीं है, इस पिन पे भी नहीं है। किस पिन की बात चल रही है, जिम में रेजिस्टेंस आती है, जी सर। इस टाइप से हमारी ट्रेनिंग है, हर जगह अलग गाड़ियाँ, अलग ट्रेनर, अलग स्पेसिफिकेशन, अलग टूल्स, 3-3 फ्लोर पर ट्रेनिंग है। हर कंपनी की गाड़ियाँ, चाहे वो BMW हो, फॉर्चुनर हो, स्कॉर्पियो हो, SX4 हो, Volkswagen हो, सेंट्रो हो, डिज़ायर हो, वहाँ पर भी दूसरे फ्लोर से वहाँ पर भी गाड़ियाँ, तो ऐसे करके 14-15 गाड़ियाँ हैं। किसी पे स्कैनिंग करो, किसी पे आपका सेंसर टेस्टिंग चलता है, एक कैमरी भी खड़ी है बाहर। तो इस टाइप से हमारा कार मैकेनिक का कोर्स है, जिसमें कम से कम आपको 3 महीना लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना लगेगा। दोनों के बीच में कभी भी आप इस चीज़ को सीख सकते हैं। तो ये था आज हमारा वीडियो कार मैकेनिक ट्रेनिंग को लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।